आओ जी, किस पे क्वेश्चन आ गए? 86। क्या कहता है? ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। कहता है रुचि लिमिटेड इश्यूइंग 40,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, एप्लीकेशन 2 रुपए प्रीमियम है, ये सुन लो, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5। 5 कैसे बनी होगी? 3 प्लस फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 3। लोग कितने मांगने वाले आ गए? 60,000। कंपनी ने प्रोराटा लगा दिया 48,000 के साथ। किनके साथ लगा दिया? और बाकियों को रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्यूज। पहले इतना पढ़ के वर्किंग नोट बना लेते हैं। कितने लोग हैं बताना भैया? 60,000। हम कितनों को दे सकते हैं? 40। कितनों को हमने दिए? 48 को 40 दे दिए, तो बाकी कितनों को? 12,000 को मना कर दिया। हाँ या ना? रेशियो क्या बनी बोलो? 6:5। आगे चलो, एप्लीकेशन कितने रुपए की है बताओ? बोलो भाई, कितनी? अलॉटमेंट कैसे बनी है? फर्स्ट कॉल कितने की है? फाइनल कॉल कितने की है? 2। फर्स्ट कॉल 2 की, फाइनल कॉल, टोटल 12 रुपए बन गए। 5 5 10 और 2 कैसे बने होंगे? 10 प्लस 2 से। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टूवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हिंदी में इसका तात्पर्य यह है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। प्लीज नोट ना करें कोई भी बच्चा, सिर्फ समझने पे ध्यान दें। आगे, राम टू होम 1600 शेयर्स। राम के पास कितने शेयर हैं? वर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। क्या नहीं दी उन्होंने? श्याम टू होम 2000 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे 2 कॉल्स। उन्होंने क्या नहीं दी? क्या नहीं हुआ बेटा? दोबारा से पढ़ो। राम टू होम 1600 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। क्या नहीं दी इन्होंने? श्याम टू होम 2000 शेयर, फेल टू पे बोथ कॉल्स। दोनों कॉल से दी। दीज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सभी शेयर को फोरफिट किया गया सेकंड और फाइनल कॉल के बाद। ऑल फोरफिटेड शेयर आर रीइश्यू 8 रुपए पर शेयर एज फुली पेड अप। क्लियर है? बताना कौन है? कौन है? राम जी। एक ही होगी। राम के पास कितने शेयर है बताना? 1600 है, तो उन्होंने मांगे कितने होंगे बताओ? करो 1600 × 6/5 करो भाई, करो 1600 × 6/5 करो। 1920। एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल। दूसरे कौन है भैया बोलो? श्याम के पास कितने शेयर है? 2000 है या अप्लाइड है? 2000 अलॉटेड है, तो इन्होंने कितने मांगे होंगे? 2000 × 6/5 कितने मांगे होंगे इन्होंने? हल्का झूठ तो नहीं है इसकी हमें। एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल के बाद क्या हो गया? शेयर फॉरफिट। और फिर उसके बाद लिखा है ऑल कितने? 1600 और 2000। ऑल 3600 इक्विटी शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ रेट ऑफ 8 ईच एज क्या मान के दिए हैं? फुली पेड। बोलो हाँ या ना? आगे चलो, राम जी की बात करो, भगवान राम की बात करो। राम जी ने अप्लाइड कितने किए हैं शेयर्स बोलो? 1920 शेयर्स पे 2 रुपए के भाव पे 3840 रुपए कंपनी को भेजे होंगे। और कंपनी ने भाई भगवान को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा जी हम आपको 1920 शेयर नहीं दे सकते, हो गया भगवान, पर हम आपको 1920 शेयर नहीं दे सकते। हम आपको कितने शेयर देंगे? सिर्फ 1600। कितने शेयर देंगे? 1600। तो कितने हो गए? 3200 रुपए रखेंगे हम आपके सिर्फ। कितने? 640 आपके एक्सेस मनी है भगवान जी, हम कहां एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में। भगवान जी को भी गुस्सा आया, तुमने मुझे पूरे शेयर नहीं दिया, मैं तेरी अलॉटमेंट नहीं दूंगा। तो अलॉटमेंट की बात करो, अलॉटमेंट पे ड्यू करवाओ 1600 × 5 कितने हो गए? 8000। 8000 में से कितने आ रखे हैं? 640, तो बाकी 7360 दिए कि नहीं दिए भगवान जी ने? भगवान जी ने कहा मैं भी नहीं देता, जा कॉल इन अरियर कर दिया। क्या कर दिया? कॉल इन अरियर कर दिया। इस वर्किंग नोट में किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, पक्का क्लियर है? एक बार ध्यान से समझ लो इसे।
फुल फ्लेज क्वेश्चन। पहली एंट्री बोलो क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों को? सर हमें 60,000 लोगों ने कितने रुपए दिए हैं? 1,20,000। अगली एंट्री बोलो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और वापस करने के लिए टू बैंक। हाँ या ना? कितने लोगों ने पैसा दिया मुझे? 60,000 ने। हम कितनों को शेयर दे सकते हैं? हम कितनों का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं? 8,000 का। ये देखो 48 को 40 दे रहे हैं ना, 48 को कितने दे रहे हैं? तुम कितने लोगों का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं भूमि? 8,000 का। कितनों का पैसा रिफंड कर रहे हैं? सर उन 12,000 लोगों का पैसा क्या कर रहे हैं बेटा? रिफंड कर रहे हैं। देखो तो करो क्या हो गया, 1,20,000, 80,000, 16,000 और इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट है तो बेटा बात करो। क्लियर है दो एंट्रीज? नेक्स्ट किस बात की एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर और टू सिक्योरिटी। 40,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 5। 40,000 लोगों से 3 रुपए कैपिटल के लेने हैं और 40,000 लोगों से 2 रुपए प्रीमियम के। तो कितने होगा बेटा ये? 2,00,000, 1,20,80। हाँ या ना? नेक्स्ट जब पैसा आएगा तो क्या बोलोगे? बैंक डेबिट। नहीं आएगा तो क्या बोलोगे? कॉल इन अरियर डेबिट। क्या बोलोगे? कॉल इन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ या ना? कितना पैसा आना है बताओ? सर 2,00,000 आने हैं। ये देखो 2,00,000 आने हैं। कुछ बच्चे टपाटप बस नोट करने लगे, जैसे नोट कर लोगे तो हो जाएगा। फिगर देखो कहां से डिराइव हुई है, किसे जी बता सकते हो? नोट तो पूरा कर रहे हो बेटा। कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट पे? कितने आने हैं? बस 2,00,000। कितने ऑलरेडी कितने आए हुए हैं? 16,000 पहले से आए हुए। कितने आने हैं? 184 में से कितने नहीं आए? 7,360। क्या लिखोगे इस पे? सी वर्किंग नोट। क्या देख लो भैया? वर्किंग नोट। आगे पीछे वाले से पूछ के नहीं, खुद करके निकाला है। 7,360। 184 में से 7,360 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे बोलो? करो भाई, 1,84,000 में से 1,76,640 रुपए आ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। वो मिली कि नहीं मिली? ड्यू तो पूरे से करो। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से बोलो? 40,000 लोगों से कितने रुपए? 2 रुपए। 80,000। फिर मिलेगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट जिसने नहीं दिया उसके लिए टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने? 40,000 लोगों से 2 रुपए लेने हैं, दैट इज 80,000। किस किसने नहीं दिए? राम श्याम ने 1,602,000। 3,600 शेयर्स पे 2 रुपए, इन्होंने अपने 3,600 शेयर्स पे 2 रुपए, तो 7,200 रुपए नहीं आए। 40,000 में से 3,600 ने नहीं दिए तो 30 कितने हो गए? 36,400 लोग तो अपने 2 रुपए दे ही देंगे। 72,73 और 80। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? इन एंट्रीज में किसी को डाउट है? अब क्या करना है बताओ? अब सेकंड कॉल मंगवानी है। सेकंड कॉल, फिर उसके बाद शेयर को क्या करेंगे दोनों के? फोरफिट। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व। तब जाके 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये 8 नंबर के क्वेश्चन की जो हमने शुरुआत करी है बहुत ही लड्डू क्वेश्चन से करी है, बहुत आसान है, पर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे चल पाओगे। आगे चलो, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने लोगों से? 40,000 इंटू तीन रुपए लेने हैं, 1:20 क्या हुआ, मिलेंगे नहीं मिले? नहीं सर, सर कुछ निकम्मे हैं वही दोनों, राम तो जमा हो गया। अरे भाई ये राम कोई कलयुग का राम है ना, ये भगवान नहीं है ये। कॉल इन अरियर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इन्होंने 40,000 लोगों से 3 रुपए लेने हैं, 3600 लोगों ने अपने 3 रुपए, तो 36,400 लोगों ने अपने 3 रुपए दे दिए होंगे, 1,20,000 में से 3600, 10,800 रुपए, तो 1,09,200 रुपए आ गए होंगे। हाँ या ना? इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट? अब शेयर क्या करना है? फोरफिट। भाई फोरफिट में कमाल की चीज है। राम जी कौन है? राम जी वो है जिन्होंने प्रीमियम का पैसा, और श्याम कौन है जिन्होंने प्रीमियम का पैसा? भाई साहब एक वो केस है जिसने प्रीमियम दिया, एक वो केस है जिसने प्रीमियम, और दोनों को एक साथ फोरफिट कर रहा हूं दोनों को। अब यहां से बिल्कुल पेन डाउन कर दो और सिर्फ बोर्ड पे देखो कि फिगर कहां से कैसे कैलकुलेट होके आ रही है, फिर आगे कवरअप करते हैं। कैंट्री होगी बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल सिल अकाउंट। कैपिटल के सामने कितने शेयर हैं? 3600। सर पूरा कॉल्ड अप है ना, मांगे तो पूरे 10 रुपए तक है। प्रीमियम में क्या आएगा? जो मांगा और वो किसका है? राम का। कितना? 1600 शेयर्स पे 2 रुपए, पर इसके तो आई गए थे। अब राम से कितने रुपए फोरफिट किए हैं हिसाब लगाओ, राम से फोरफिट किए 3840, कितने फोरफिट किए हैं? यही तो है शेयर फोरफीचर, यही तो है शेयर। इसको करने का एक तरीका और भी है, राम का फोरफीचर निकालें। ये देखो शेयर फोरफीचर अकाउंट राम के निकालो, राम से कितने पैसे फोरफिट किए हैं बोलो? 1600 शेयर्स पे 2 रुपए प्लस एक्सेस मनी, और एक्सेस मनी कितनी है? 600, 1600 दुनी प्लस 640 कितने हो गए? मैं भी तो वही कह रहा था 3840 रुपए। हाँ या ना? शाम से कितने पैसे फॉरफिट किए बोलो? शाम से कितने पैसे फॉरफिट किए हैं सर? 2000 शेयर्स पे 2000, 2 रुपए और 5 रुपए, 7 रुपए, पर 7 रुपए में 2 रुपए किस बात के हैं? प्रीमियम के। तो कितने हो गए? 10,000। कितने हो गए बोलो? समझ आ रहा है कैसे? 13,840, 36,000, 3200। हाँ या ना? एक एक फिगर को ध्यान से देखो, क्या फोरफीचर नहीं समझ आया? कितने पैसे हड़पे हैं बता, राम से कितने रुपए हड़पे हैं? कैसे निकाला? 1600 के 2 रुपए प्लस एक्सेस मनी भी तो अनइंटेंशनली फोरफिट हो गई, तो 3200 इसके हो गए, 3840 हो गए टोटल। शाम की बात करो, शाम ने तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दी थी ना, तो उसके 2000 शेयर्स पे 7 रुपए फोरफिट हुए, और मिले हुए पैसों में यदि प्रीमियम होता है तो उसे हटा देते हैं। शुरू से यही पढ़ रहे हैं सुबह से, ठीक है? ये रहे उसके हो गए 10,000, टोटल हो गए 13,840। अब कितने पैसे नहीं आए बताओ? कितने पैसे नहीं आए? अब मैं निकाल रहा हूं कॉल इन अरियर, क्या निकाल रहा हूं? कॉल इन राम की बात करो, राम ने कितने पैसे नहीं दिए बताओ? राम ने 1600 शेयर्स पे 5, 2, 7 और 3, पर उसके 640 रुपए तो आई गए थे। हाँ या ना? 16,000 में से 640 गए, 15,300, तो 15,360 रुपए नहीं आए बोलो। हाँ या ना? बोलो भाई बोलो। शाम ने कितने पैसे नहीं दिए सर? शाम ने अपने 2000 शेयर्स पे 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 3 रुपए की, तो इसने टोटल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 10,000, 25,360। हाँ या ना? कैसी थी एंट्री? 13,840 निकाल के दिखाया है, ये देखो 25,360 ये निकाल के दिखाया है, और ये सब कुछ प्रूफ किया है यहां पे, ये देखो।
अगली एंट्री क्या होगी, ये सभी 3600 शेयर क्या कर दिए, रीइशू। कितने रुपए में दिए हैं, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल, 3600 कितने का मान कर दिए हैं, तो 3600 कितना हो गया, ये 36,000 और ये 28। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, तो कैपिटल रिजर्व कितने रुपए फॉरफिट किए थे, कैपिटल रिजर्व है, इतने क्वेश्चनों के बाद जल रिजर्व लग रहा है, 13,840। 13,840 में से कितने का नुकसान हो गया बताओ, कितने आ गए, करो कितना, 66। अब आंसर में जाके देखो, लास्ट में आंसर में देखो, 6640 आंसर आ रहा है, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन क्या किया है, ये क्वेश्चन 5 पेज में जाएगा, 5 से भी 6। सुनो क्या, जर्नल एंट्री, कैश बुक, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स, हर ये क्वेश्चन आता है, अभी करेंगे, शुरू हुआ है चैप्टर, खत्म हुआ, अब शुरू हुआ है चैप्टर, अब आप कह सकते हो कि हमने चैप्टर शुरू कर दिया, अब हमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए, अब हमें क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए, अब इसके बाद नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं बचा, एक दो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो जनवरी फरवरी में करेंगे, अभी करने का कोई फायदा नहीं, भूल जाओगे फिर कराने पड़ेंगे, ठीक है, नोट करो इसे।